अभी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमें एक एस दिया है नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी, और एक हमें बाइनरी ऑपरेशन का टेबल दिया हुआ है जिसका मतलब है ए स्टार ए होगा, ए स्टार बी बी होगा, ए स्टार सी सी मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन वेदर ए इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस, तो हमें चेक करना है कि ए आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे ए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो अगर ए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स कहाँ से हमने लिया, एस लिया, तो हमारा एक्स क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है एक्स, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, ये तीन के अलावा कुछ एक्स नहीं होगा, ठीक है। सच डैट अगर हमें ए को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं, मतलब ए इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन होता है, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए एक्स जो आएगा एस में से, उसके साथ आप बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कीजिए तो हमें हमेशा वही एलिमेंट मिलता है, एंड ए स्टार एक्स इज ऑल्सो एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब चलिए ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए के लिए चेक करते हैं, तो ए स्टार ए एक्स, अगर हमारा केस वन इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो ए स्टार ए, ए स्टार ए हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, टेबल के हिसाब से देखते हैं, ए स्टार ए ए मिल गया, जी हाँ, तो इसने पहला एक्स ए के लिए होल्ड हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू बी डालते हैं, तो बी स्टार ए, बी स्टार ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x जो हमारा रहता है वही x मिलता है, तो यहाँ पे x हमारा b है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए, टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, b स्टार a b आ गया, जी हाँ हमें b मिल गया, मतलब ये होल्ड हो गया। अब ये वाला चेक करते हैं a स्टार x, a स्टार x इज b, हमें क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए अगेन, तो चेक करते हैं a स्टार b, यस b, तो ये b के लिए भी होल्ड हो गया। अब लास्ट चेक कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू c, सो x दैट इज x इज हेयर c स्टार a, हमें क्या चाहिए, c चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पे c की मिलता है क्या नहीं है, तो हमें क्या है c स्टार a, c स्टार a, यस c आ गया c। अब चेक करेंगे a स्टार c, a स्टार c, हमें c चाहिए, यस c आ गया। तो इसने सारे ये कंडीशंस होल्ड कर लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, सारे वैल्यू ऑफ x के लिए हो गया, तो जिसके कारण ये होल्ड हो रहे हैं, सारे के लिए होल्ड हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट A is an identity element. So therefore, A is an identity element of S. ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक देखते हैं, इफ इज B इज एन इनवर्स ऑफ A, क्या B इनवर्स है A का, ठीक है। अब इनवर्स के लिए जाएंगे, फॉर इनवर्स, ठीक है, B इनवर्स है क्या A का, नहीं, तो इसको हमें चेक करना है B इनवर्स है क्या नहीं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मतलब क्या, ए स्टार बी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, एंड एंड बी स्टार ए, एंड बी स्टार ए अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ये अगर हमें मिल गया तो हम बोल सकते हैं यस बी इज एन इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, तो ए स्टार बी टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, ई, ई हमारा इस टाइम पे ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ए है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ठीक है। अब टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं ए स्टार बी क्या है, ए स्टार B, that is B, यहाँ का B is equals to A, not possible, हमारा B is A थोड़ी ना है, हमारा A अलग है, so therefore, ये condition hold नहीं हुआ, so therefore, B is not an inverse of A, B is not an inverse of A, ठीक है। अब चेक करते हैं is C, अब हम यहाँ पे question बदल देते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं C के लिए, ये सब चीज़ें, ठीक है, मतलब हमारा identity element क्या है, E है, हमारा identity element A है, ठीक है, हमें C के लिए चेक करना है, मतलब क्या, C स्टार किसका आइडेंटिटी, B का चेक करना है, C स्टार B, C स्टार इज B इज एन इनवर्स ऑफ A, C स्टार A हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए, ठीक है, एंड A स्टार C अगेन हमें A मिलना चाहिए, तो चेक करते हैं, चलिए, सो क्या है, C स्टार A, C स्टार A, दैट इज C, सो C स्टार A क्या मिल रहा है हमें, C स्टार A, C मिल रहा है, दैट इज C इज इक्वल्स टू A, नॉट पॉसिबल, C A थोड़ी ना हमारा A है, C इज नॉट इक्वल टू A, सो देयरफॉर C इज नॉट अ इनवर्स ऑफ A, ठीक है। अभी हम लास्ट देखेंगे इसका पार्ट D क्वेश्चन, इसका जो D पार्ट है क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि इज C is an
इनवर्स ऑफ बी, तो हमें चेक करना है सी सी बी का इनवर्स है या नहीं है। दैट मीन्स दैट अगर हमने ये दिखा दिया सी स्टार बी इज इक्वल्स टू ए दिखा दी, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ई दैट इज ए, अगर हमने ये चीज़ इक्वल दिखा दी एंड बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए दिखा दिया, तो हम सक्सेसफुली कह सकते हैं यस सी इज एन इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, अब हम ये क्लेम हमारा ये दिखाना है, तो कंसिडर सी स्टार बी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। चेक करते क्या मिलता है हमें, सी क्या है हमारा, क्या सी स्टार बी, सी स्टार बी यस ए मिल गया, मतलब ये पार्ट हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट प्रूफ हमें ये करना है, तो कंसिडर बी स्टार सी, बी स्टार सी यस ए मिल गया, दैट इम्प्लाइज दैट सी इज एन इनवर्स ऑफ बी, सी इज एन इनवर्स ऑफ बी दैट इज बी इनवर्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये था हमारे कुछ एग्जांपल्स इनवर्स के।